तो गाइज ये देखो सैलेड कट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सबको जय माता दी। तो गाइज रात का टाइम है और अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ, और मेरा और मेरे हस्बैंड हम दोनों का फास्ट है नवरात्रि का। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में और मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ व्रत वाली रोटी। तो बहुत से आटे आते हैं बाज़ार में, पर मैंने स्वाद का आटा मंगवाया था क्योंकि उसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और इनको अच्छे से मैश कर लूँगी, और अभी मैं आटा ऐड करने लगी हूँ। मैं आटा डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी मैं अभी नहीं ऐड करूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो तभी पानी डालूँगी थोड़ा सा। तो गाइज मैंने अदरक ले लिया थोड़ा सा, इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो रोटी नहीं अच्छे से बनेगी। बस इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अभी सारे आटे को बाइंड कर लेंगे अच्छे से। इसको जितना मसलोगे उतना सॉफ्ट हो जाएगा और उतनी अच्छी रोटी बनेगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। फिर आलू डालने से एकदम सॉफ्ट हो जाता है डो और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनती है। तो गाइज मैंने लिफाफा लिया है, लिफाफा रखा है चकले के ऊपर, और मैं ऐसे बनाऊंगी तो एकदम से पतली रोटी बनेगी और बिल्कुल सॉफ्ट। हाथ से भी बना सकते हो आप लोग, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बातें कर दो ना। गाइज एकदम हल्के हाथों से प्रेस करूंगी मैं। देख सकते हो आप लोग कितनी पतली रोटी बनी है। लगने में देखा नहीं रहा। ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी रोटी बनी है। मैं बनाऊं? हूँ मैं बनानी है तो सिखाओ, ठीक है? कितना अच्छा कलर आया ना, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। गाइस ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऐसे बनाना आप लोग भी रोटी। लग ही नहीं रहा कि व्रत वाली रोटी बना रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे आलू का परांठा बन रहा है। हेलो गाइस, ये दूसरी रोटी ये तवे पे। अभी लगा रहे हैं घी। पलट देते हैं इसको।
इस रोटी को लगाते हैं देसी घी, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा, एकदम यमी यमी। तो गाइज ये देखो सैलेड कट कर रहे हैं, दोनों मिलके काम करें तो कितनी जल्दी काम हो जाता है सारा ही। ये इन्होंने खीरे कट कर लिए हैं और मूली और एप्पल और मिर्ची भी रख ली है। आप भी खाओगे सारी मिर्ची, है ना? खाओगे मिर्ची? तो कट हो गया सैलेड। ये तो देखो दिखा रहे खाना। और अनु कर रहा है पढ़ाई। ठीक बनी है? तो गाइज इन्होंने खाना खा लिया है और अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।